हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंजाइम्स। इंजाइम क्या होता है? इंजाइम इंजाइम इज बायो कैटलिस्ट। इंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज एंड सीक्रेटेड बाय किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इंजाइम बायोकैटलिस्ट होता है, सिंथेसाइज एंड सीक्रेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको सिंथेसाइज सीक्रेट कहता है किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। वो पूछ रहे होंगे उसमें जो ग्लाइकोसिडिक बांड बांड आपने बताया ही नहीं। ग्लाइकोसिडिक बांड, एस्टर बांड, पेप्टाइड बांड, अभी कुल बांड बताना। वो एक टॉपिक दिया तो उसमें परेशान पढ़ाए नहीं लग रहा है। होगा टेंशन मत लो, बता देंगे। हो गया, और कुछ परेशानी बताइए। सुना, जो परेशानी भी पढ़ाने के बाद पूछ रही, क्या प्रॉब्लम है? कुछ बोलो यार, खड़े बताओ क्या प्रॉब्लम है। चलो आप देखो इधर, कैटलिस्ट मैंने क्या कहा आपको? ही पूछे आपसे कैटलिस्ट और इंजाइम में क्या मेजर डिफरेंस है? कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है? कैटलिस्ट और इंजाइम में इंजाइम स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। देखिए इंजाइम जो होता है, सुन लीजिए, इंजाइम जो होता है बायोकैटलिस्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सिंथेसाइज होता है। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कार्य करता है, पार्टिकुलर पीएच पे, समझ रहे हैं ना। जबकि कैटलिस्ट जो होता है वह हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे काम करता है। कैटलिस्ट जो होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम करता है। बायोकैटलिस्ट को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे काम करवा देंगे उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। कहें कैसे? जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है इंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बहुत लो टेम्परेचर कर देंगे इनएक्टिव हो जाएंगी। आप क्या करोगे बोलिए ना। तो भाई बहुत हाई टेम्परेचर पे कार्य नहीं करती हैं, एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया हार्टवेंट सल्फर स्प्रिंग, जो सरवाइव करते हैं 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। हार्टवेंट सल्फर स्प्रिंग, यह हार्टवेंट सल्फर स्प्रिंग क्या होता है? इस विशेष प्रकार का इधर देखिए, वह एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर कौन का किस एरिया कौन सा एरिया है? समुद्री एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है कितना? 80 से 90, और 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, आर्की बैक्टीरिया, समझ रहे हैं ना। हार्टवेंड सल्फर स्प्रिंग 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी क्या करते हैं? वो एंजाइम कार्य करती हैं। लेकिन हम लोग का कभी आपने ख्याल किया होगा, बुखार जब होता है तो आपने देखा होगा बुखार होने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, 37 के बजाय मान लो 38 हो गया तो बुखार चढ़ गया, तगड़ा हो गया, तो आपको लगता है सब मुँह फीका फीका लगने लगता है,
भोजन वोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ फीलिंग महसूस होती है, बोलिए बहुत बढ़िया खाना लगता है। अगर जबरी अगर ठूस लेंगे तो क्या होगा, वोमिटिंग होने लगेगी, प्रॉब्लम होगी ना। तो इधर देखिए, नहीं उल्टी है कि मत बेटा, सामान बैठे रहो भाई। अब इसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने के कारण इंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। जब इंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो गई तो प्रॉब्लम होगी, आपकी सारी इंजाइम ऑप्टिमम एक्टिविटी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करती हैं, आपकी सारी इंजाइम ऑप्टिमम एक्टिविटी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करती हैं। बोलिए, इसका मतलब आपकी बॉडी के लिए जो इंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो कौन होगा, 37। बोलिए ना, अब अगर बढ़ा देते हैं टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर घटा देते हैं तो इंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घटेगी ना इंजाइम एक्टिविटी। तो वैसे ही तो मैंने क्या कहा, इंजाइम बायोकैटलिस्ट होती हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर केमिकल सबस्टेंसेस, ये केमिकल सबस्टेंस है, बॉडी में नहीं बनते, केमिकल सबस्टेंसेस, केमिकल सबस्टेंसेस एक्स काम करते हैं एट हाई टेम्परेचर। देखो इधर, हाई टेम्परेचर अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये अंतर है बायोकैटलिस्ट में, हो गया। जबकि क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, इंजाइम एक्स एट लो टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर पे नहीं करेगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, नॉट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, न तो हाई टेम्परेचर पे काम करे न तो हाई प्रेशर पे काम करे, हो गया। एंड नॉट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे नहीं, हो गया। हार्ट वेंट सल्फर स्प्रिंग्स, सर्वाइव एट, सर्वाइव एट किस पे काम करते हैं, सर्वाइव एट 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हार्ट वेंट सल्फर स्प्रिंग, हार्ट वेंट एंड सल्फर स्प्रिंग, हो गया। किस पे काम करते हैं, 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, कौन आता है इसमें, आरके बैक्टीरिया, पता होगा आपको, जानते भी होंगे, न जानते ब्रैकेट में लिख सकते हैं आरके बैक्टीरिया, हो गया। अब देखो, एट हाई टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट हाई टेम्परेचर
एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स आर डीनेचर्ड, डीनेचर्ड मतलब डीनेचर्ड मतलब एक्टिविटीज क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टूट जाएंगी ये डीनेचर्ड। एंड लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर क्या होगा, दे बिकम्स इनएक्टिव। लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएंगे। हो गया, इन ह्यूमन बीइंग ये भी लिख लीजिएगा, इन ह्यूमन बीइंग ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इन ह्यूमन बीइंग 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फिजियोलॉजिकल एंजाइमेटिक एक्टिविटी, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। हो गया, इरेज कर दें। नहीं, हम इरेज ही नहीं करेंगे उसको, जाए तो All enzymes are protein. All enzymes are protein except ribozyme. Ribozyme को छोड़ करके कौन है ये? राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक्सेप्ट राइबोसाइम याद किए रहिएगा, इसको छोड़ दीजिए। हाँ भैया, राइबोसाइम राइबो न्यूक्लिक एसिड किसकी तरह काम करता है? एंजाइम की तरह काम करता है। एक और शब्द है, इसको याद कर लीजिएगा, शब्द नहीं है यार, नहीं वर्ड भी नहीं है, लाइन है पूरा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम, आल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम, आल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट आल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम। कौन बताया था? बिडल एंड टेटम, एक ये कौन बताया था? साइंटिस्ट थे बेचारे, बिडल एंड टेटम, लो टेटम, बिडल एंड टेटम। हो गया,
हो गया। हुआ अबाउट नहीं, कंफर्म है 10 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिक्वायर्ड फॉर 10 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। बुक में नहीं है ये, इन विच, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है इन विच, जिसमें क्या होता है। हाँ एनसीईआरटी में है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, देखो ग्लाइकोल बोलिएगा मत, बोलो ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्या ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, अरे ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है भाई, बताओ भाई तू बताओ, नीरज कुमार ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है जी, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बोलो ना, जिससे पूछो वही बोले। हाँ ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, कौन बोल सकता है, तुम बोल सकती हो, बोलो। हाँ जोर से बोलो, और कोई तुम लोग कहना इसे देखो, इसे पकड़ा, इसे टैटू है दबा टें, जब पकड़ा इसे कटे, फिर पकड़े कटे, दो बार में टें हो जाओ। इधर देखो, इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पाइरुविक एसिड, कै पाइरुविक एसिड में, टू पाइरुविक एसिड में, यही चारों टर्म बता दें, याद कर लो, बहुत बार आता है कंफ्यूज, बहुत तेज होते हैं लड़के। हम आपको लीवर के फंक्शन बताए थे, आप लोग ख्याल नहीं किए, लेकिन आश्चर्य मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखो इधर टर्म देख लो, सब समझ लें यहीं पे। अगर ग्लूकोज, ये रेसिपी इसका नहीं है, अगल बगल लिखिएगा, अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो रहा है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस, बोलता है सब, इसमें याद करने की जरूरत नहीं होती, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, जेनेसिस मतलब बनना, इधर देखिए जेनेसिस मतलब बनना होता है, सोचो इधर। अब फिर ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, ये कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बोल देता है खुद है, यह देखो ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, तो ग्लाइकोजन किस में टूटेगा, जिससे बना होगा उसी में टूटेगा ना, ग्लाइकोजन का किस में टूटना, ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन, कन्वर्जन इसमें हो रहा है, इसमें टूट रहा है, अंतर देखिएगा, इसमें बन रहा है, मतलब सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बन रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर में टूट रहा है, दोनों हैं, अंतर देख लीजिए। फिर ये सब कहीं कहीं टर्म है, मैं पढ़ाया हूँ, मुझे याद है कि रेस्पिरेशन वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था,
रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में भी, कौन रेस्पिरेशन, एनिमल वाले नहीं, जब पढ़ा रहे थे प्लांट वाला इसमें बता रहे थे, लीवर के फंक्शन में भी मैं चारों बताया था, लीवर के फंक्शन में चारों फंक्शन मैंने बताया था। फिर इधर देखो लीवर का फंक्शन यही सर पढ़ाए, मारे बेहोश जीव भाई, अभी लीवर फंक्शन भी पढ़ाए थे ना। देखो इधर फैट, आप बुक में नहीं है वो, मगर फैट और प्रोटीन, इससे अगर क्या बन रहा है, फैट और प्रोटीन से, फैट प्रोटीन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहीं पर जान लीजिए सब, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड से अगर ग्लूकोज का फार्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया फार्मेशन। उन्हें देखे, उन्हें मुंह को लिखा है, उतरेंगे ना तो कान पिन्ना कैसे दे, देखो कान बैठ देंगे टेढ़ो जी, वो तू कंसंट्रेट पढ़ने सबको डिस्टर्ब करते रहते हो, इधर उधर धाव कर देखो फला इधर इसे, ये तो हमारे कहानी आ गई इसे। एक बार देखे, एक बार जो एक चिड़िया का घोंसला था, चिड़िया घोंसला बता दें आपको, चिड़िया घोंसला था उसमें, सुनो चिड़िया घोंसला था उसमें एक, हाँ नेस्ट ऑफ बर्ड्स, चिड़िया का घोंसला था, उस घोंसले में बच्चे थे, बच्चे को पेड़ पे चढ़ के खाने के लिए सांप पहुंच गया, सांप समझ रहे हैं ना, स्नेक्स, वो भी कौन, कोबरा, और बंदर वहीं बैठ के देख रहा था, ये हम लोग अपनी आँख से देखे तब बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं। तो क्या हुआ, बात हो रही क्यों हो गई अब, और उसको इतना देखा कि जब जैसे घोंसले के पास पहुंच रहा है तैसे झम से उछल क्या उसका ऐसे सांप को पकड़ लिया, ऐसा मुँह पूरा ऐसे मुँह पकड़ लिया, अब मुँह, अब सांप इधर उधर ऐंठ को उठ रहा है इधर उधर, और काफ़ी बड़ा सांप था, मुँह में पकड़ लिया इसे, अब मुँह पकड़ के जो उसका जो नीम के पेड़ का पूरा जो छाल ऊपर बाहर वाला क्या होता है बार्क होता है, इसको छाल बोलते हैं, उसे छलवा उसका मुँह ऐसे दोबारा रगड़ता था, रगड़ने के बाद फिर तो बैठने को उठने लगता है, जोर से ऐसे देखता था ऐसे, अरे ध्यान से देखे, देखो इधर देखो, इधर देखो, अरे ध्यान से देखे इसे, फिर एक बार फिर देखा ना मरा भाई, फिर दोबारा से रगड़ता था, जब फिर रगड़ ले फिर नहीं मरा, फिर देख रहा है कभी का मुँह बचा है, अब फिर एक बार और अगले फिर एक बार मुँह रगड़ते रगड़ते ऐसा कर दिया पूरा, इधर देखो सांप पूरा जब मर गया एकदम टाइट हो गया तब तो उसको फेंक दिया, और फेंकने में फिर चला गया, देखो मानव से भी ज़्यादा कौन है, बंदर, बानर बालक एक समाना, लेकिन यहाँ पे तो बानर बालक नहीं है ये, अभी एडल्ट हो गए हैं, हो गया, इधर देखो सुनो, अच्छा वही बात खत्म, अब कंसेंट्रेट हो जाओगे याद हो जाएगा, मैंने कहा प्रोटीन और फैट से, प्रोटीन और फैट से अगर क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, अगर फिर ग्लूकोज से अगर क्या बन रहा है, पाइरुविक एसिड, दूध बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोलाइसिस। इसको टर्म को याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजबल है, चारों कहीं पे लिख लीजिए अगल बगल, इंजाइम में नहीं है हमारा ये सारे प्रोसेस। अब ये देखिए इसी प्रोसेस में कितने इंजाइम यूज होते हैं, इसमें सब इंजाइम यूज होगा, हर रिएक्शन में इंजाइम यूज होगा, बिना इंजाइम कोई रिएक्शन नहीं होगा, हर इंजाइम में रिएक्शन मिले, देखिए हर रिएक्शन में इंजाइम का यूज होगा, बिना इंजाइम कोई उसमें रिएक्शन नहीं होगा, बोलिए इरेज करें आप, समझ में आया, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ठीक, फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या, ग्लाइकोजन का टूटना, बोलिए, फिर फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर क्या, ग्लूकोज से अगर दो पाइरुविक एसिड बन रहा है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस, बोलिए ना, इरेज करें,
देखो तो मैं यही बता रहा हूँ, इधर देखो, देखिए जरा, ग्लूकोज से बनना सिर्फ पाइरूविक एसिड है, लेकिन कोई एंजाइम ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट ग्लूकोज किसमें तोड़ दे, पाइरूविक एसिड में। अरे भाई, कोई एंजाइम ऐसी डायरेक्ट होती जो ग्लूकोज किसमें तोड़ देती, पाइरूविक एसिड में, तो एक ही एंजाइम का काम होता। बोलिए ना, एक ही एंजाइम काम होता ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ऐसी एंजाइम है ही नहीं जो डायरेक्ट ग्लूकोज किसमें तोड़ दे, पाइरूविक एसिड में। इसलिए कितने एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, 10 एंजाइम्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको बुक में लिखी हुई बातें हैं, NCERT की बात बता रहे हैं। इस प्रोसेस 10 एंजाइम चाहिए होता है, हो गया। जब भोजन पाएंगे नहीं होगा तो माथा पटकेगा, आंत खाली सो माथ भारी, आंत भारी सो माथ भारी। दो तरीका है, या तो पेट में कुछ न रहे तब वो सर पकड़ लेगा, या तो पेट इतना भर जाए कि गैस बनने लगे तब वो माथ पकड़ लेगा। आंत भारी सो माथ भारी, आंत खाली सो माथ भारी, दोनों दिशाओं में माथ। अब इसे कोई बिना खाए पिए सोए चाहत नींद ये नहीं आएगी, अब खूब खा ली यहाँ तक चढ़ा लिए तो इधर देखे तब वो पकड़ लेगा ये। अब देखो, हो गया। दूसरी बात बता रहा था, देखिए एंजाइम में बातें चल रही हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 पाइरूविक एसिड के लिए 10 एंजाइम रिक्वायर्ड होती है, हो गया। फास्टेस्ट एंजाइम पूरे बॉडी की है, हम जो बता रहे सुन ले कुल। फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जो क्या करता है, विच बहुत थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत आप लोग। विच कन्वर्ट द ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक घंटा से पढ़ाएंगे। विच कन्वर्ट द CO2 H2O इंटू किसमें, इंटू कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये दिस एंजाइम फाउंड इन ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है, दिस एंजाइम फाउंड इन RBC में, RBCs देहाती भाषा में इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, हो गया। और देखिए आपको बता दें, विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल। बुक में देखिए, कुछ नहीं देखना है। 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्म, बट इधर देखो, बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कितना होगा, इधर देखिए,
इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज 3 मिलियन कार्बोनिक एसिड फॉर्म पर सेकेंड। बुक में देखो लिखा है नहीं लिखा है, टाइम्स बढ़ाया है, कितना मिलियन मॉलिक्यूल पर सेकंड बन रहा है, कितना मिलियन मॉलिक्यूल पर सेकंड बन रहा है, पर सेकंड कितना मिलियन मॉलिक्यूल, पर सेकंड कितना बन रहा है, हाँ सिक्स लैक्स, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड, पर इसका मतलब एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन अब देगा 10 मिलियन, कितना मिलियन दे रहा है, 10 मिलियन दे रहा है, बिलियन दे रहा है, 10 मिलियन मॉलिक्यूल पर सेकंड, सॉरी एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स, मिलियन एक बिलियन है शायद, हाँ बिलियन दिया एक मिलियन, हाँ वही मैं देख कंफ्यूज हो रहा था। अब देखो इधर मैंने कहा सबसे तेज एंजाइम जो आपकी बॉडी में है, देखो जो सबसे तेज एंजाइम आपके बॉडी की है कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जो कन्वर्ट करता है CO2H2O को किसमें, कार्बोनिक एसिड में, कहाँ पाया जाता है ये RBCs, कहाँ पाया जाता है RBCs में, दिस एंजाइम फाउंड इन RBCs लिखा हुआ है, विदाउट एंजाइम बिना एंजाइम के, इधर देखो बिना एंजाइम के 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, फार्म्ड पर आवर, यहाँ आगे लिखिएगा फार्म्ड पर आवर है, ये पर आवर घंटे में है, ये पर आवर, इसको देख लीजिएगा पर आवर हो गया, बिना एंजाइम के 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्म पर आवर दिया, ये भी दिया हुआ है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में 600,000 मॉलिक्यूल ऐसे 600,000 600,000 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्म पर सेकेंड, जो घंटे में था मिनट में, और संख्या कितनी हो गई 600,000,
जो कितना बढ़ा रहा है, एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना ज़्यादा, 10 मिलियन टाइम्स मोर, बोलिए ना। ये है एंजाइम क्रिएट का रिएक्शन, कैसे तेज बढ़ाता है कैसे घटाता है, अभी तो मैंने सिंपल सिंपल बताया है। अब देखो समझ में आया ये बात, आगे आपको जो पढ़ना है इसको देखिए, देखिए इधर, देखो इधर, अब आप ये सेल है कोई, इसमें कौन बन रहा है, CO2 और H2O बन रहा है ना। अरे सेल में CO2 H2O बनेगा नहीं बनेगा, इसमें क्या बनता है, ये RBC है, CO2 कहाँ आया, H2O आया सेल में, RBC में। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, क्या बनाएगा, H2CO3 हो गया, सॉरी ये टूट जाएगा किस में, H+ आयन में, H2CO3 आयन में, यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड को, किसको बना रहा है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ये वाला कितना मॉलिक्यूल बना रहा है, 6। सिक्स लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड की रफ्तार से बनाएगा ना, समझ में आई बात। ये सेल है, ये कौन है, सेल है, ये कौन है, RBCs हैं, RBCs में क्या आ रहा है, CO2 और H2O, कौन एंजाइम काम कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो आ तोड़ दे रहा है किसको, सॉरी किसको बना रहा है, CO2 H2O को रिएक्ट करवा रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, कितना, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, बोलिए ना, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर विदाउट यही एंजाइम हटा दिया जाए तो 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनेगा, बुक में नहीं दिया है, पढ़ लीजिए इसको, हो गया। अब आपको दिखा रहे हैं हम, इंजाइम जो होता है किसके लिए जिम्मेदार होता है, आपको बता दें, सुनिए, कभी भी इंजाइम जो होता है, हाँ इंजाइम सार आर टर्शियरी प्रोटीन, इंजाइम सार क्या होती है, टर्शियरी प्रोटीन, विच कंटेन पॉकेट आर क्रिवाइसेस, पॉकेट आर क्रिवाइसेस, इधर देखो जी, पॉकेट आर क्रिवाइसेस किसके फोल्डिंग से बनता है, इंजाइम्स आर टर्शियरी प्रोटीन, इंजाइम जो होती टर्शियरी प्रोटीन होती हैं, जो कंटेन होती हैं, क्या करती हैं, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर या क्रिवाइसेस, क्रिवाइसेस में जो दरार होता है, खांच होता है, दरार होता है, वो बनाते हैं, कैसे, आफ्टर फोल्डिंग, समझ रहे हैं ना, और भी किस मैनर में, क्रॉस फोल्डिंग के जरिए, फॉर्म्ड बाय क्रॉस फोल्डिंग, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, पॉकेट आर क्रिवाइसेस,
फॉर्म बाय क्रॉस फोल्डिंग। कार्ड क्या कहते हैं इसको हम, एक्टिव साइट, इसी को एक्टिव साइट कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। वेयर जहां पर क्या होता है, वेयर सबस्ट्रेट, जहां पर क्या होता है, वेयर सबस्ट्रेट फिटेड, फिट होता है, आर बाइंड, फिट हो गया बाइंड करेगा, यही एक्टिव साइट है जो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या करेगा, एंजाइम व्हेन बाइंड विथ सबस्ट्रेट तो क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, बना ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द, बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसको, समझिएगा, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको डिटेल बाद में समझाएंगे हम। हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, हम एक समझा रहे हैं, ये एंजाइम है, कौन है ये एंजाइम, इसमें इसका ये एक्टिव साइट है, ये कौन है एंजाइम है, यहाँ पर ये कौन है सबस्ट्रेट, ये है ना एंजाइम सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, ये है ना, अब क्या होगा, ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ जब ये बनेगा अभी क्या बन गया, ई और यस, अब यस कॉम्प्लेक्स बन गया ना, एक मैं समझा रहा हूँ अभी, ये तो बाद में पढ़ाएंगे हम, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, तो जब ये बांड बनाएगा तो इसी में एनर्जी का क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी इसकी, जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बेचारा, ये देखो,
ये टूट गया, आप जानते क्या बना ये, ई और पी। ये क्या था, ई प्लस एस बराबर क्या बना, ई एस कॉम्प्लेक्स। फिर क्या बना, ई पी कॉम्प्लेक्स। फिर क्या हो जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अंतिम एंजाइम बच जाएगा और प्रोडक्ट बन गया। बोलिए कोई परेशानी है यहाँ पे, ये अपने आप बन जाता है। जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट से बंधेगा तो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होगी और क्या बनेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब आपके बाद, इसके बाद आप डिटेल जानकारी लेने के लिए देख रहे हो, पहले कुछ परेशानी हो गया नहीं, अभी और पढ़ा दें यार हम, अभी कितना 40 मिनट तो नहीं हुआ है। चलो अच्छा कल पढ़ो, जा दो, चलते हैं, बाय।